दोस्तों भारत प्रो शो कौन जीतेगा नवंबर में, जो प्रो शो होने वाला है इंडिया में आईबीबी का, आईएचएफ शेरू क्लासिक ओलंपिया, वो कौन जीतेगा दोस्तों, कौन जीतेगा? आपको पता है कि नहीं? मैं बताता हूँ, वो जीतेगा अली बिलाल। जी हाँ दोस्तों, अली बिलाल जीतने वाले हैं। इट्स माय प्रेडिक्शंस दोस्तों, अली बिलाल जीतने वाले हैं, शायद या नहीं, या जीतने वाले हैं भारत प्रो शो। जी हाँ, क्योंकि अली बिलाल को स्पॉन्सरशिप मिल चुका है हेल्थ फार्म सप्लीमेंट कंपनी से, और हेल्थ फार्म सप्लीमेंट कंपनी जो है वो आईएचएफएफ एक्सपो को भी स्पॉन्सर करती है। शेरू क्लासिक ओलंपिया जो है उसके स्पॉन्सर है हेल्थ फार्म सप्लीमेंट कंपनी। जी हाँ, और अली बिलाल को भी उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है इस बार। अली बिलाल अब डिवाइन न्यूट्रिशन के स्पॉन्सर नहीं है अब, तो ये एक बात है दोस्तों, ये मैंने आपको बोल दिया पहले। तो जीतने वाले अली बिलाल है ना, पर इमरान खान भी आ रहे। इंडिया 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 इंडिया, याद है वो भुवन के साथ जो हुआ था उसका, उस पिछले 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 साल जो हुआ था, अगली बार हु विल विन? राहुल फिटनेस तो आउट हो गए, राहुल फिटनेस कंप्लीट नहीं करेंगे। भुवन भी आउट हो गए क्योंकि वो ओलंपिया खेलेंगे इस बार है ना, वो ऑलरेडी क्वालिफाई है, वो बैकआउट कर गए है ना, और वो कंप्लीट नहीं करेंगे दोस्तों। अभी अभी उनका एक आज वीडियो देखा, सादिक हैदजोबिक के साथ वो वर्कआउट कर रहे हैं दोस्तों। वो सादिक को बोल रहे दिल्ली प्रो शो में ट्राई करो, सादिक बोल रहे आई विल ट्राई। सादिक बोल रहे मैं चार बच्चा करूँगा अब। सादिक हैदजोबिक बोल रहे मुझे फैमिली बड़ा करना, चार बच्चे तीन बच्चे। और भुवन साहब हंस रहे थे, और अली बिलाल तो खेलने आने वाले। अली बिलाल को इस बार न्योता भेजा गया कि आओ प्लीज़ खेलो, क्योंकि पिछली बार जब उनके बैग में वाटर था उसकी वजह से बहुत सारा हंगामा हो गया था पूरे इंटरनेशनल फिटनेस इंडस्ट्री में, बाहर के वो में, कि वो यहाँ कैसे हार, यहाँ इंडिया आके कैसे मतलब हार जाता है और बाहर कैसे जीत जाता है इटली में है ना, वो यूरोप में। तो उनको थोड़ा इस बार इनविटेशन दिया गया भारत प्रो शो खेलने के लिए। अब इमरान खान भी है, इमरान खान भी इंडिया इंडिया है ना, अब वो भी है। मनोज पाटिल भी खेलेंगे, अब बोल रहे रेडी हो रहे वो भी। राजा अजीत भी खेलेंगे, अभी जुनैद कालीवाला के साथ वर्कआउट भी है उनका। तो जीतेगा कौन? मुझे लग रहा है अली बिलाल या इमरान खान, इन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा प्रो शो दोस्तों। ये दोनों ही सेंटर, डेथ सेंटर में रहेंगे हमेशा की तरह, तो वही होगा। बिलाल की बैग में वाटर था, इस बार वाटर नहीं रहेगा दोस्तों। जजेस, इस बार उनके बैग में पानी नहीं होगा। तो टॉप 10 ओलंपिया में भुवन, आई थिंक इस बार वो टॉप 10 में आ जाएंगे भुवन, मुझे लग रहा है दोस्तों, बिकॉज ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मैं उनको आज वर्कआउट करते वक्त देख रहा था, जब वो वर्कआउट कर रहे थे सादिक के साथ, आज बहुत उनका अच्छा वर्कआउट था। तो देखिए दोस्तों, देखिए एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये एक प्राइवेट स्पोर्ट है, आप लोग इस पे ना नेशनलिटी मत घुसाइए। इंडिया है, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल स्पोर्ट, ये मिस्टर इंडिया नहीं है, मिस्टर यूनिवर्स नहीं है ना, ये ओलंपिक्स नहीं है, ये वो नहीं है, क्या बोलते इसको, वो खेलते हैं ना ओलंपिक्स में फिर मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स, मिस इंडिया, ये वो नहीं है, ये बॉडी बिल्डिंग है, इसे इंडिविजुअल स्पोर्ट, मैं बार बार बोलता हूँ, इट्स नॉट ए कंट्री नेशनलिटी स्पोर्ट, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको मान्यता नहीं दिया है ना। और हेल्थ फार्म जो सप्लीमेंट कंपनी है वो हर साल ही, मतलब 2021 में दोस्तों स्टेट फर्स्ट था स्पॉन्सर उसके, 2021 में भी मैं गया था ओलंपिया देखने, तब स्टेट फर्स्ट था वहाँ पर। स्टेट फर्स्ट जो एक सप्लीमेंट कंपनी है, वो रोहित शेट्टी की एक बॉडी बिल्डर है वो है ना, और अभी हेल्थ फार्म है पिछले साल से कुछ महीनों से, कुछ साल से अभी हेल्थ फार्म हो गए। तो अली बिलाल को भी हेल्थ फार्म ने स्पॉन्सर किया। ये दोस्तों हर जगह है, बाहर भी अगर कोई स्पॉन्सर, कोई एथलीट किसी कंपनी का अंडर स्पॉन्सरशिप में है, स्पॉन्सर कर रहा है, और वही स्पॉन्सर, वही कंपनी अगर कोई शो भी को भी स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो अपने एथलीट को ही ज़्यादा वो करेंगे, प्रमोट करेंगे, जितवाने की कोशिश करेंगे है ना, या क्या किसी और को करेंगे, ये तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये बात है ना ना, तो इस बार अच्छा होगा ओलंपिया देखने, मैं ज़रूर जाऊँगा। 19 तारीख का मैंने टिकट है इस बार, मैंने 19 तारीख का किया, मैं लास्ट डे जाऊँगा। मैं 2021 को मैं सेकेंड डे गया था, कुछ मज़ा नहीं आया मुझे, इस बार लास्ट डे जाऊँगा। थोड़ा प्रो शो देखना है ना, आप लोगों को भी वीडियो दिखाना है वहाँ पर, कौन जीतेगा, मतलब अली बिलाल या इमरान खान। मैं तो इमरान खान को पसंद करता हूँ, अली बिलाल भी अच्छे है ना, सब अच्छे। और तब तक के लिए चैनल देखते रहिए, बिग बॉस शुरू होने वाला है। और दोस्तों जी हाँ, मैं बोलना भूल गया कि चैनल को प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों है ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं यही बोलूँगा आप लोगों की, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को,
तो इमरान खान तो खेलेंगे, इंडिया इंडिया मनोज पाटिल भी खेलेंगे, बहुत तैयारी कर रहे हैं आजकल, पर वो जो भी हो अच्छा ही खेलेंगे, वो अच्छा करेंगे, अच्छी प्लेज आएगी उनकी। राजा अजीत भी, और अभी अभी वो आ कि एरिन बैंक शायद हार गए कायरन से, तो एरिन बैंक थोड़े दुखी लग रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, तो फिटनेस के वीडियोस में मैं कभी कभी लाता हूँ, तो आप देखते रहिए तब तक के लिए। और देखिए, इट्स अ गेम, इट्स स्पोर्ट्स, तो इसे उस गेम की तरह लीजिए, है ना। थैंक यू भाई, चलिए सब चैनल सब्सक्राइब करिए।